बंगलोर गया था उसके क्या अलर्ट कर लिया। अरे भूल जो भाई भूल जो ये तुम खाली खाली लग रहा है यार। अरे सच्ची में खाली खाली लग रहा है। हेलो गाइज, वेलकम टू माई अनदर ब्लॉग। अभी सुबह के बज रहे हैं 4। अभी मैं जा रहा हूँ पूजा करने, क्योंकि आज है मेरा बर्थडे। जिस जिसने विश किया उसको दिल से थैंक यू सो मच, और जिसने नहीं किया उसको भी थैंक यू, क्योंकि हेटर तो रहते ही है भाई दुनिया में, तो दिल से थैंक यू उसको भी। तो आज है बर्थडे, तो आज बर्थडे सेलिब्रेट करने का फुल प्लान बन चुका है। घर में ही करूँगा, ज़्यादा बाहर जाने का कोई ज़रूरत नहीं है। बस केक लाने के लिए गया जाऊँगा, और शायद मेरे नाना जी भी आएंगे तो और मजा आने वाला है। तो ब्लॉग में बने रहिए, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें गाइस। तो मिलते हैं बर्थडे सेलिब्रेट पे। तो अभी हम लोग मॉर्निंग वॉक पे घूम रहे हैं। थैंक यू आंटी, थैंक यू। सो गाइज, अभी शाम के बज रहे हैं 5, और अभी जस्ट नाउ मैं छत पे आया हूँ, क्योंकि आज बर्थडे है तो डेकोरेशन बनता है ना। तो अभी इधर हम लोग अभी डेकोरेशन करेंगे, इस तरह से खंभा गाड़ रहे हैं। खंभा मतलब गाड़ने के लिए हम लोग को यूज करना पड़ रहा है टीना, जिसमें है बालू, और बालू के साथ खंभा एक है, मतलब 4 खंभा अभी हम लोग को यहाँ पे करना है। और मेरे साथ ये चिल्लर पार्टी लोग दे रहे हैं। तो अभी हम लोग ब्लॉग को कंटिन्यू करेंगे, तो आप लोग ब्लॉग में बने रहिए, हम लोग डेकोरेशन करते हैं। आप लोग डेकोरेशन देखिएगा और कमेंट में बताइएगा कि डेकोरेशन आप लोगों को कैसा लगा। सो गाइज, अभी हम लोग का डेकोरेशन चल रहा है, शाम का 7 बज चुका है, और इधर बैलून फुलाया जा रहा है। ये मस्त बैलून फूल रहा है इधर, और हमारा कुछ डेकोरेशन इस टाइप का है। मतलब अभी काम कर ही रहे हैं सब मिल करके, हम लोग सब चिल्लर पार्टी जितने हैं सब मिल करके मस्त काम कर रहे हैं, और इधर बैलून मस्त फूल रहा है। अभी यहाँ पर एक गेट लगाना है, यहाँ से ऐसे ये गेट लगेगा, उसके बाद फिर मिलते हैं। आगे पूरा डेकोरेशन कंप्लीट होता है तब आप लोग को दिखाते हैं। A few moments later. So guys, हमारा कुछ ऐसा डेकोरेशन हुआ है। अभी थोड़ा सा बाकी है और डेकोरेशन, अभी लाइट उट का प्रॉब्लम है, तो अभी लाइट आएगा उसके बाद मस्त यहाँ पे कुछ नज़ारा बर्थडे का रहेगा। तो आप लोग ब्लॉग में बने रहिए, ब्लॉग को स्किप बिल्कुल मत कीजिए, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेगा। इस तो हम लोग लाइट उट लगा चुके हैं, लेकिन लाइट आना बाकी है, लाइट ऑलरेडी कटा हुआ है, बस आना बाकी है लाइट को। तो वेट करते लाइट आने का, तब फिर तैयार हुआ होते। इधर बच्चे पार्टी जो मेरा हेल्प किए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद बच्चे पार्टी, थैंक यू। चलो तो फिर मिलते हैं आगे। ये हमारा केक है, मेरे लाइफ की सबसे इम्पोर्टेंट मेरी दादी। ये है मेरे गांधी जी के 3 मंदिर, लेट लतीफ, तीनों लेट। हेलो 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 हेलो, चलो
फोटो एक और मत मारना, मार जितना मारना। कैसा लग रहा भाई लोग? बढ़िया। दो तीन फोर। धीरे 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 धीरे। लाला मेरा कर, लाला मेरा कर, जल्दी कर।
सो गाइज मेरा बर्थडे सेलिब्रेट हो चुका है, अभी मैं जस्ट अपने रूम में आया हूँ सोने के लिए। काफ़ी रात हो चुका है, 10 बज चुके हैं रात के। लाइफ में पहले टाइम अपना बर्थडे सेलिब्रेट फैमिली के साथ किया, काफ़ी मज़ा आया। सारे फ्रेंड्स आए हुए थे मेरे, जितने भी बेस्टी फ्रेंड थे सारे लोग आए हुए थे, फैमिली सारी आई हुई थी, काफ़ी मज़ा आया। और नाना भी आए हुए थे। केक काफ़ी स्पेशल था मेरे लिए, क्योंकि मेरे स्पेशल जो थे, मतलब क्या बोले, अपने लाइफ के सबसे जो स्पेशल आदमी, उनका केक था मेरी दादी जी का। तो काफ़ी मज़ा आया। अगर आप लोग को भी मज़ा आया हो तो चैनल को प्लीज़ यार लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। मेरे तरफ से पूरा कोशिश रहा, इंस्टाग्राम व्हाट्सअप हर जगह पे जितने लोग मुझे मैसेज किए हैं, विश किए हैं, मैं सबको रिप्लाई किया हूँ, मेंशन किया हूँ, मेंशन बैक भी किया हूँ, सबको किया हूँ। गाइस अगर कोई छूट गया हो तो दिल से सॉरी गाइस, मतलब मेरे तरफ से जितना हो पाया मैंने सबको मेंशन किया, मेंशन बैक किया। तो मिलते हैं जल्दी नए ब्लॉग में नए एंटरटेनमेंट के साथ, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट।